अस्सलाम वालेकुम मेरे पुत्रो तिओ की हाल है सब ठीक ठाक हो ना ते आज मैं लोबड़ा सुरख पकान लगी देसी ते ओ तुहानू पका के दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आज मेरी दादी माँ देसी सुरख लोबिया बनाने लगी हैं, वो आपको बना के दिखाते हैं किस तरीके से बनाते हैं। जी दादो माँ ने हंडिया ऊपर रख ली है। अच्छा दादी मैं सबसे पहले ऑयल डाल लेना है। जी कितना ऑयल? एक कप। सही है जी। गाय दादो माँ ने एक कप ऑयल डाल ली है, अभी ये जब गर्म होता है तो फिर दादी माँ मसाला डालते हैं। अच्छा तो गाय देखे दादी माँ ने एक कप ऑयल डाल ली है और अभी ये गर्म होगा तभी दादी माँ प्याज डालने लगे हैं। दादी माँ जी कितने प्याज हैं? दो प्याज हैं जी। इनको दादी में जरा ब्राउन कर लेना है। आ जरा को हो जाए मैंने फिर दूजा भर लेना। सही। ये जी प्याज ब्राउन हो गया, अभी दादी में क्या डालना है? और अदरक ते थोम। सही है। एक चम्मच अदरक ते एक चम्मच थोम। एक चम्मच लहसुन है और एक चम्मच अदरक या पेस्ट ये डाल लिया दादा ने। अच्छा दादी माँ जी आप क्या डालना है? और ना टमाटर ते ना मर्चा। सही है। कितने टमाटर हैं? दो मर्चा ते एक टमाटर। सही है। दो सब्ज मिर्चे हैं और एक टमाटर है। दादी माँ जी अभी क्या डालने लगे हैं? ये मर्चा सुइयां पीसियां ते नमक आधी चम्मच सुरख मिर्च पीसी हुई, आधी चम्मच हल्दी और एक चम्मच नमक है। बिस्मिल्लाह। और दादा माँ साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। दादी मैं इसे अच्छी तरह भून लेना ना। भूनना है मसाले चंगा तो फिर पानी ला के सही। दादी माँ जी आपकी एक बेटी है आयशा, तो उनकी मामा को शुगर है, उनका नाम है बतूल, उनके लिए दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्ती दे, अल्लाह कुल दिया बीमारियां में अल्लाह शफा दे, अल्लाह सोना शफा दे, ये अल्लाह तेरी अम्मी तंदुरुस्ती दे। आमीन। दादी माँ जी मसाला अच्छी तरह भून लेना। चंगा भुनना है ते फिर बिच पानी ला के ते बिच पाना। सही है। पुत्रो तिओ अस्सलाम वालेकुम, की हाल ने? ठीक ठाक हो? ते मेरी धी ने नवा चैनल खोलिया वे ते ओदी तुसी सपोर्ट करो। हां जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चला? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? तो मेरी पुप्पा ने नया चैनल बनाया नाजिया फूड सीक्रेट, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप उनको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरी पुप्पा बहुत मजे के खाने बनाते हैं, तो आप उन्हें सपोर्ट करें। मेरी धी नाजिका ओदे नाम है, ते बड़े सोहने खाने छाने पकांदी है, शुरू तो लैके भैणा भरावां नूं पका के दिंदी सी बड़े वधिया, ते तुसीं ओदी सपोर्ट करो मेरे पुत्रो तिओ। दादी माँ जी मसाला भुज गया है जी, तो अभी क्या डालना है? और पानी डाल के तेल विच पाना। सही है जी। अभी दादी माँ लोबिया डालने लगे हैं। तो मैं लोबिया डालने लगे। दादी मैं कितना लोबिया है? एक पाव लोबिया जी। और दादी माँ जी पानी कितना डालना है? एक किलो। एक किलो पानी डाल लेना है। जेड़ा ताजा है ना ते इस वाते गड़ना भी होता है। सही है, ये सख्त होता है इसलिए। ठीक है जी, एक किलो दादो ने पानी डाल लिया है। और अभी दादो मैं ये अंदर गलता रहेगा जी। हाँ गलेगा तो फिर मसाला ते गर्म पा के ते थले ला ला। दादी माँ जी इसको कितना टाइम लग जाएगा? अब लग जाएगा को आधा घंटा। सही है, आधा घंटा लग जाएगा इसको। बिस्मिल्लाह। अभी आस्ता आस्ता आग पे गलता रहेगा। दादी माँ जी एक कमेंट आया है, तो किसी ने पूछा कि सर्दियों के मौसम में बच्चों को कैसे बचा के रखें सर्दी से? मेरे पुत्रो तिओ बच्चों नू हिफाजत ना बड़ा उन्होंने कुट कट के रखी दा सर्दियों, उन्होंने माखियों दे दिए
उन्होंने आंडा पा के उसकी जड्डी जी होंगी है वह नरम जी होंगी है उन्होंने चंगा चमचना रला के ते वो बच्चों ने खुआ चढ़ी का बड़ा ध्यान करता है। मावां दे काम होंगे अल्लाह ताला जेड़ा चलो सर्दी भी लग जाती है पर कोशिश होंगी है ना मावां की बड़ा बचा के रखना सर्दी तो उन्होंने कुट के रखना बच्चों को कोटियां पाओ स्वैटर पाओ टोपियां पाओ कस के रखो उन्होंने तो बड़ी फास रखी दी है मेरी धीए भैन है बच्चों वास्ते सर्दी बड़िया लगती है तो बच्चा कड़ा दसना होता वैसे सन फ्रंट भी लगती है सिर्फ यह है वे मासा क चिटा छड़ी माखियों उन्होंने आंडा जोड़ा हों वे नरम करके उन्होंने फिर पा के तो जो बच्चा व्डा है तो उन्होंने उन्हें खुआ दो बाल के तो निका तो उन्होंने चमच बिच सूई दे होंगी है वो रला के तो संगे चला जाए बस अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे अल्लाह सेहत दे बच्चों तो माँ प्यो भी दे ले जी उबाले आ रहे हैं दादी मैं ये क्या डालने लगे हैं मेथरी ते सुखा धनिया एक चम्मच सूखी मेथरी और एक चम्मच सूखा धनिया डालने लगे बिस्मिल्लाह और साथ में मेरी दादी माँ थोड़ा सा दरमियान में सब्ज धनिया डाल लेते हैं और लास्ट में भी शुरू से दादी मैं ही डालते हैं ना आप बिस्मिल्लाह दादी माँ जी हंडिया तैयार हो गई है जी हाँ सही है तभी का डालने लगे हैं धनिया सब्ज धनिया डाल ली है और साथ में दादी माँ गरम मसाला डालने लगे हैं लास्ट पे फाइनल तैयार हो चुका है अभी हम आपको टेस्ट करके भी दिखाते हैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी हम टेस्ट करने लगे हैं आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही मज़ेदार लोबिया बना है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दादी मेरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 दादी मैं ले हाँ पहले आप टेस्ट करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत शुक्रिया दादी माँ जी बहुत मज़ेदार बना शुक्रिया आमीन जी अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे आमीन। अच्छा तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें अच्छे अच्छे कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दुआओं में याद रखें अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।